मूवी की शुरुआत में हमें एक गजब का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी की कार खराब हो जाती है तो इस आदमी को पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ता है। तो ये आदमी ऊंचे नीचे अजीबोगरीब रास्तों से होता हुआ एक सीक्रेट प्रिजन तक पहुंच जाता है। वेल, इस बंदे का नाम एना क्लेटो है जिसे सिंप्लिसिटी के लिए हम पूरी मूवी में एना बुलाएंगे। तो जब एना प्रिजन में जाने की डिमांड करता है तो गार्ड उसे एक स्पेशल सेल की तरफ ले जाने लगता है। यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि एना एक सीक्रेट एजेंट है जिसने सभी बैड गाइस को पकड़ के इस प्रिजन में बंद करवा दिया है। तो यहाँ पे मौजूद सभी कैदी एना से बहुत नफरत करते हैं। जल्द ही एना अपने राइवल और जानी दुश्मन वेस गोयस की प्रिजन सेल तक पहुँच जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेस गोयस पिछले 30 साल से और अब उसे न्यू प्रिजन में शिफ्ट किया जाना है ताकि वो अपनी बाकी की प्रिजन लाइफ को पूरा कर सके। तो इस प्रिजन ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट ने अपने बेस्ट एजेंट को भेजा है जो कि एना है। इसके बाद एक वैन से वेस गोयस का ट्रांसफर चालू हो जाता है। तो ट्रिप के दौरान वेस गोयस एना से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें फोर्सफुली रिटायर किया जा रहा है, वैसे तुम्हारा एक बेटा भी है, तुम चाहो तो मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तो ये सुनकर एना की सनक जाती है जो गुस्से में वेस गोयस पे चढ़ बैठता है, पर वो कुछ कर पाता। उससे पहले ही दो मिस्टीरियस आदमी इनकी कार को अपनी बंदूका से उड़ा देते हैं, जिसके बाद ये लोग वैन के पास जाके वेस गोयस को आजाद कराने लगते हैं क्योंकि ये दोनों वेस गोयस के खास आदमी हैं जिनका नाम बुचर और मॉलिक्यूल है। इसके बाद ये लोग एना को बेहोश करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एना का बेटा एडोल्फ दिखाया जाता है जो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्टिन के साथ नाइट गार्ड की ड्यूटी करता है, पर ये लोग ड्यूटी पे भी नशा कर रहे हैं जिससे इनका ध्यान मॉनिटर पे नहीं जाता और इसी समय स्टोर में कुछ चोर घुस के इलेक्ट्रॉनिक के सामान चुरा लेते हैं। तो काफी देर बाद एडोल्फ को चोरी का एहसास हो जाता है पर वो चोरों के हाथों पिटना नहीं चाहता तो वो इस चोरी को इग्नोर कर देता है। अगली सुबह एडोल्फ को पिक करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है जिसका नाम केटिया है जो कि एक डॉक्टर है, साथ ही वो एडोल्फ के दोस्त मार्टिन की सिस्टर भी है। वैसे केटिया एडोल्फ को लेके काफी नाखुश है क्योंकि एडोल्फ सारा दिन सोता रहता है जिस वजह से वो केटिया को टाइम नहीं देता। तो बेचारी केटिया तंग आके एडोल्फ से बोलती है कि तुम बस सोते ही रहना, मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे कुछ मजेदार और तूफानी करना है। तो काफी देर झगड़ने के बाद एडोल्फ कार से उतर जाता है क्योंकि वो केटिया के लिए अपनी प्यारी नींद और लेजी स्टाइल को बदलना नहीं चाहता। इसके बाद एडोल्फ अपने पिता एना को कॉल लगाने की कोशिश करता है तो कॉल की आवाज सुनके एना जग जाता है, पर वो फोन तक पहुंच पाता उससे पहले ही यहाँ पे दो आतंकवादी आ जाते हैं जो एना के साथ कुछ नोटी नोटी करना चाहते हैं। तो एना गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे अपनी जीप, गन्स और पैसे दे दो तो मैं तुम्हें चुपचाप इस डेजर्ट में छोड़कर चला जाऊंगा, मगर एक आदमी एना को मारने की कोशिश करता है तो एना इन दोनों को टपका के उनकी जीप चुरा लेता है, जिसके बाद वो अपनी एजेंसी के हेडक्वार्टर फोन करके कहता है कि वेस गोयस भाग गया है। तो बॉस बोलता है कि अगर वेस गोयस भाग गया है तो मैं इसमें क्या करूं? मेरे पास बॉर्डर को सील करने के लिए न तो एजेंट्स हैं और ना ही फंड, वैसे मैं तुम्हें पिक करने के लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं भिजवा सकता क्योंकि हम हेलीकॉप्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें खुद ही स्पेन वापस लौटना होगा। इसके बाद एना के रिक्वेस्ट पे बॉस कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे के प्रोटेक्शन के लिए दो सीक्रेट एजेंट्स भिजवा दूंगा, मगर उन दोनों एजेंट्स की सैलरी पिछले 2 महीनों से पेंडिंग है जिसे तुम्हें ही हैंडल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एडोल्फ ब्रेकअप के बाद काफी अपसेट है तो वो मार्टिन के साथ एक बार में ड्रिंक्स करने चला जाता है, पर जब मार्टिन को पता चलता है कि केटिया एडोल्फ से ब्रेकअप करके इंडिया शिफ्ट होने वाली है तो उसकी सनक जाती है। इसके बाद वो एडोल्फ को इंसाफ दिलवाने चला जाता है पर केटिया जरा सी देर में मार्टिन को कूट डालती है जिस वजह से एक गार्ड को यहाँ पे आना पड़ता है, पर केटिया गार्ड्स के भी नट्स को तोड़ के यहाँ से भाग जाती है, मगर वो अनजाने में एडोल्फ को भी बाहर ले आई थी। साथ ही वो बार में हंगामा खड़ा करके काफी खुश है, यानी केटिया को बोरिंग लाइफ के बजाय ऐसी एक्साइटमेंट से भरी लाइफ चाहिए। तो इस फाइट से केटिया को इतनी खुशी मिलती है कि वो एडोल्फ के साथ अपनी स्पेशल फाइट चालू कर देती है जिसके लिए एडोल्फ बड़ी मुश्किल से केटिया को घर तक ले जाता है, वरना पूरी फाइट स्ट्रीट पे ही हो जाती। वैसे इस कपल को दो आदमी भी फॉलो कर रहे थे जो कि बॉस के भेजे हुए स्पेशल एजेंट हैं, मगर उन्हें अंदाजा नहीं है कि बैड गाइस उन पे नजर रख रहे हैं जो मौका पाके एजेंट्स को मार देते हैं। वहीं घर के अंदर फाइट पूरा होने के बाद केटिया कहती है कि मैं सच में तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, तो ये जानकर एडोल्फ काफी दुखी है। लेकिन जब एडोल्फ आराम कर रहा होता है तब घर में एक निंजा आ जाता है जो उसकी जमके मार लगाता है, पर एडोल्फ जैसे तैसे करके निंजा को ठिकाने लगा देता है जिसके बाद वो दोबारा से चक सो जाता है। तो जब सुबह होती है तब केटिया एडोल्फ की हालत देखकर काफी घबरा जाती है,
तो एडोल्फ रात का पूरा इंसिडेंट केटिया को बताने लगता है, पर अब तक वो निंजा घर से जा चुका था। तो केटिया को एडोल्फ की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है, साथ ही अब वो एडोल्फ से काफी डिसअपॉइंटेड है। इसके बाद एडोल्फ भी घर छोड़ के जाने का प्लान बनाने लगता है, पर घर के बाहर तो उसका पिता एना उसका वेट कर रहा था। तो एडोल्फ की हालत जान के एना उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है। वैसे यहाँ पे हमें पता चलता है कि कल रात एडोल्फ के घर में जो असैसिन आया था उसकी बॉडी को एना ने ही ठिकाने लगाया है। इसके बाद ये लोग एना के फार्म्स की तरफ जाने लगते हैं। वेल, एडोल्फ की नजर में उसका पिता एक फार्मर है। जल्द ही ये लोग अपने फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं, तो एडोल्फ सीधा अपने रूम जाके लेट जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए एडोल्फ अपने पिता से बात करना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ एना को उसके बॉस का कॉल आता है, जो एना को रिमाइंड करता है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं पे छुप जाओ, मैं वेस्ट को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद एना असैसिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है, पर तभी उसे कुछ सुनाई देता है। तो एना को अंदाजा हो जाता है कि वेस्ट के गुंडे यहाँ पे भी आ चुके हैं, तो वो बैड गाइस से अपनी बाल्टी लेके लड़ना स्टार्ट कर देता है। मगर बैड गाइस उस पे भारी पड़ रहे थे, जो एना को मारते मारते घर के अंदर ले जाते हैं, जिसका एडोल्फ को भी पता चल जाता है। तो मजबूरी में एना एडोल्फ को बता देता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, जिसके बहुत सारे दुश्मन हैं, जो अब मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं। मगर एडोल्फ को अपने पिता की बातों पे जरा भी भरोसा नहीं है, पर वेस्ट के बाकी गुंडे यहाँ आके इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तो एना भी अपनी हिडन गन्स को निकाल के फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर अब एडोल्फ काफी डरा हुआ है। तो एना उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मैंने जिंदगी भर तुम्हें ट्रेन किया है, तो उस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करो। इसके बाद जल्द ही काफी सारे गुंडे घर के अंदर आने लगते हैं, जिन्हें एना बड़ी आसानी से मार देता है। मगर इस फाइट में घर की ऐसी तैसी हो गई थी। इसके बाद ये लोग फार्म छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट से मिलने एना का बॉस जाता है, जहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि बॉस ने ही एना को धोखा दिया है, साथ ही उसने वेस्ट को भी आजाद करवाया था। तो बॉस वेस्ट से कहता है कि जल्दी से मेरे काम के पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना बंद कर दूंगा। इसके बाद एना एडोल्फ को अपनी एजेंसी ले जाता है, क्योंकि यही जगह उसके लिए सबसे सेफ है। मगर जब वो ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि किसी ने सभी वर्कर्स को जहर दे के मार डाला है। तो ये देखकर एना काफी दुखी है, पर जब ये दोनों नीचे जा रहे होते हैं, तब वेस्ट के आदमी यहाँ आके इन पे गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे एना इंजर्ड हो जाता है, पर वो गुंडों से बच के भागने में कामयाब हो जाता है, पर उनका अभी भी पीछा किया जा रहा था। तो ये लोग एक ब्रिज पे से ट्रक पे कूद जाते हैं। इसके बाद हमें केटिया का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरी फैमिली खाना खा रही थी। तो एडोल्फ यहाँ पे आके केटिया से हेल्प मांगने लगता है, क्योंकि केटिया एक डॉक्टर है, जो उसके पिता को लगी बुलेट को निकाल के ट्रीटमेंट दे सकती है। तो केटिया कुछ सोच के उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद वो जल्दी से एना के घाव को ट्रीट करने लगती है। पर मार्टिन ये जानकर काफी इम्प्रेस्ड है कि एडोल्फ के पिता एक सीक्रेट एजेंट हैं, जिन्हें अब कोई मारना चाहता है। वहीं वेस्ट को किसी का कॉल आता है, जो वेस्ट को बताता है कि एना और उसका बेटा केटिया के घर में मौजूद हैं। तो वेस्ट अपने आदमियों को एना के पीछे भेज देता है। नेक्स्ट डे जब एडोल्फ की आंख खुलती है कि उसके पिता ने सभी के लिए नाश्ता बनाया है, तो अपने पिता को बेहतर हालत में देख के एडोल्फ काफी खुश है। पर तभी केटिया को एहसास होता है कि एना ने सभी के जूस में ट्रुथ सेरम मिला दिया है, जिसके बाद एना सभी को इंटेरोगेट करने लगता है। तो पता चलता है कि केटिया की मदर वेस्ट के लिए काम करती है, उसी ने कल रात वेस्ट को कॉल करके एना और एडोल्फ के बारे में बताया है। तो ये सुनकर एना अलर्ट हो जाता है, पर अब तक वेस्ट के आदमी बिल्डिंग तक आ चुके थे। तो एना एडोल्फ के दोस्तों को लेके यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद वो सेफ्टी मेजर के तौर पे बाकियों को अलग अलग रास्ते पे भेज देता है। पर जल्द ही वेस्ट के गुंडे इन्हें घेर लेते हैं, जिन्हें एडोल्फ आसानी से पीट देता है। पर तभी मॉलिक्यूल यहाँ पे आके एडोल्फ को टेजर से टेज कर देता है। वही केटिया को वेस्ट ने पकड़ लिया था। इसके बाद बैड गाइस इन्हें अपने बेस ले जाके बांध देते हैं, ताकि वो एडोल्फ को टॉर्चर करके एना का पता लगा सकें। तो जब केटिया एडोल्फ से कहती है कि इन लोगों को कुछ भी मत बताना, तब एडोल्फ काफी डर जाता है, क्योंकि वो टॉर्चर झेलना नहीं चाहता। तो वो बोलता है कि टॉर्चर को झेलने के बजाय मैं सच बताना पसंद करूंगा। पर तभी वेस्ट केटिया की आंख में कुछ घुसा देता है, जिसे देखकर एडोल्फ काफी घबरा जाता है, और फिर वो वेस्ट को सारा सच बता देता है कि मैं नॉर्थ ट्रेन स्टेशन पे अपने डैड से
मिलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ एना और मार्टिन ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पे उनकी मुलाकात एजेंसी के बॉस से होती है। मगर जल्द ही एना समझ जाता है कि उसका बॉस गद्दार है जो वेस्गोस के साथ काम कर रहा है, तो वो बॉस के हाथ में गोली मार के उसे इंटरोगेट करने लगता है। पर बॉस को वेस्गोस के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो एना आने वाली बैटल के लिए रेडी होकर स्टेशन चला जाता है, जहां सभी लोग किसी को देख के भाग रहे हैं। तो एना को पता चलता है कि वेस्गोस ने केटिया और एडोल्फ पे बॉम्ब बांधकर उन्हें स्टेशन पे छोड़ दिया है, जिन्हें देखकर सभी लोग घबरा गए हैं, और यही हाल एना का भी था। पर तभी उसे वेस्गोस का कॉल आता है, जो एना को बताता है कि तुम्हारे बेटे पे लगा बॉम्ब थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसे डिफ्यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है एडोल्फ को गोली मारना, क्योंकि ये बॉम्ब एडोल्फ के हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज्ड है। तो एना, अगर तुम चाहो तो मेरा पीछा कर सकते हो, मगर हर हाल में तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। तो मजबूर होके एना इन दोनों को एक सीक्रेट बेस ले जाता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि एडोल्फ को पीनट से भयंकर वाली एलर्जी है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले पीनट खाने की वजह से एडोल्फ को हार्ट अटैक आ गया था। तो कुछ सोच के एना एक पीनट पैक ले आता है। इसके बाद एना के इंस्ट्रक्शन पे एडोल्फ पीनट खा लेता है, जिसे खाते ही एलर्जी से वो सूजना चालू कर देता है, जिससे एडोल्फ की हार्ट बीट कुछ समय के लिए रुक जाती है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग बॉम्ब को निकाल देते हैं। और फिर एना केटिया की मदद से एडोल्फ को रिपेयर भी कर देता है। तो अपने बॉयफ्रेंड को ठीक ठाक देखकर केटिया काफी खुश है, मगर इसी समय एना को एहसास होता है कि इस वक्त वेस्गोस भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है। और वाकई एना का अंदाजा बिल्कुल सही था, वेस्गोस बिल्डिंग में ही कुछ न्यू प्लान्स बना रहा था। वहीं एना और एडोल्फ वेस्गोस को फॉलो करते हुए गैराज तक पहुंच जाते हैं, जहां पे वेस्गोस भागने की फिराक में था। इसके बाद इन लोगों के बीच में गन फाइट चालू हो जाती है, जिसमें मॉलिक्यूल को एडोल्फ मार देता है, और यही हाल बुचर का भी होता है, जिसे ये लोग अपनी कार से कुचल देते हैं। मगर अब तक वेस्गोस इनके सामने वैन लेकर आ जाता है, जो अपनी वैन को इनकी कार पे चढ़ा देता है। पर आखिरी मोमेंट पे एना एडोल्फ का धक्का देकर कार से बाहर फेंक देता है, जिस वजह से एडोल्फ बच जाता है। पर अब एना की बुरी हालत हो चुकी है, वो बस अब मरने वाला है। इसके बाद एना अपने बेटे के हाथों में ही दम तोड़ देता है, तो ये देखकर एडोल्फ काफी दुखी है। पर तभी उसे नजर आता है कि वेस्गोस अपनी वैन से निकलकर यहां से भाग चुका है। तो एडोल्फ वेस्गोस के ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है, पर ये सब वेस्गोस का बिछाया हुआ ट्रैप था। तो जब एडोल्फ ब्लड ट्रेल्स को फॉलो कर रहा होता है, तब वेस्गोस पीछे से आकर बोलता है कि तुम अपने पिता जैसे बिल्कुल नहीं हो। पर तभी एडोल्फ उसे एक च्युइंग गम दिखाता है, जिसे देखकर वेस्गोस की ऐसी तैसी हो जाती है, क्योंकि ये तो बॉम्ब वाला च्युइंग गम है जिस पर उसने पैर रख दिया था। इसके बाद बिल्डिंग में तगड़ा धमाका होता है, जिससे वेस्गोस मारा जाता है, यानी बैड गाइस का दी एंड हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटिया और एडोल्फ ने मिलके एना को अच्छे से दफना दिया है। इसके बाद एडोल्फ डिसाइड करता है कि वो अपने पिता की तरह सीक्रेट एजेंट बनेगा, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।